जरा सोचो, पूरे देश की पुलिस और माफिया तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुम्हें पता ही नहीं भाई क्यों। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बेकेट नाम के एक आदमी से जो अपनी पत्नी अप्रैल के साथ ग्रीस घूमने आया था। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और यहाँ उन्होंने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए। फिर जब रात हुई तो वो एक घर की ओर निकल पड़े जिसे उन्होंने किराए पर लिया था, लेकिन ये घर उस शहर से काफी दूर था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों बारी बारी से गाड़ी चलाएंगे। लेकिन थोड़ा दूर जाते ही रास्ते में अप्रैल की आंख लग गई। खैर, बेकेट गाड़ी चलाता रहा लेकिन कुछ ही देर में वो भी सो गया और तभी उनकी गाड़ी सड़क से हटकर एक गहरी खाई में जा गिरी। उनकी गाड़ी जोर जोर से पलटती हुई नीचे बने एक घर से जा टकराई। उस वक्त इस घर में एक औरत और एक बच्चा मौजूद था। खुशकिस्मती से बेकेट ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए इस हादसे में उसे थोड़ी बहुत चोट ही लगी, लेकिन इस दुर्घटना में उसकी पत्नी अप्रैल की मौके पर ही मौत हो गई। जब बेकेट ने अप्रैल को देखा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है और फिर उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बेकेट ने पुलिस को बताया कि जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस घर में एक औरत और एक बच्चा मौजूद थे। उसने पुलिस वालों से पूछा कि वो दोनों तो ठीक है ना, लेकिन पुलिस वाले ने कहा कि जहां उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो घर तो कई सालों से बंद पड़ा है, इसलिए वहां किसी का होना तो नामुमकिन है। पर बेकेट ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर उसी घर की ओर निकल पड़ा जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी। जैसे ही वो घर में पहुंचा तो पीछे से एक औरत ने आकर अचानक उस पर गोली चला दी। हमला होने पर बेकेट तुरंत वहां से भाग निकला, पर तभी उसे उसी पुलिस वाले की आवाज सुनाई दी जिससे वो अभी मिलकर आ रहा था। पुलिस वाले ने बताया कि ये लड़की भी पुलिस में ही है और उसे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उसने बेकेट पर हमला किया। उसने बेकेट को विश्वास दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आखिरकार बेकेट झाड़ियों से बाहर निकला, लेकिन तभी पुलिस वाली और उस ऑफिसर ने मिलकर फिर से बेकेट पर गोलियां चला दी। बेकेट काफी जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी वो उनसे बचकर वहां से भाग निकला। वो एक छोटी सी चट्टान से नीचे कूदा और दौड़ता रहा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये पुलिस वाले और ये लड़की उसकी जान क्यों लेना चाहते हैं। खैर, दौड़ते दौड़ते उसे एक ट्रक दिखाई दिया और बेकेट ने उसी में छिपकर रात गुजारी। फिर अगली सुबह कुछ आदमियों ने उसे ट्रक में देखा और उससे बातचीत करने लगे। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उनमें से एक आदमी बेकेट को अपने घर ले आया। उसने बेकेट के जख्मों पर मरहम लगाई और फिर वो उसे फोन देकर किसी अपने को बुलाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी अचानक उसके घर पर पुलिस आ गई, क्योंकि वो उस आदमी से बेकेट के बारे में पूछताछ करना चाहते थे। उस आदमी ने पुलिस से कहा भी कि उसने बेकेट जैसे किसी आदमी को नहीं देखा, लेकिन पुलिस वाला फिर भी जबरदस्ती उसके घर की तलाशी लेने के लिए अंदर घुसाया, लेकिन वहां उसे बेकेट मिला नहीं क्योंकि वो ऐन वक्त पर खिड़की से कूदकर भाग निकला। भागते भागते उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। बेकेट ने उनसे मदद मांगी और कहा कि वो US एम्बेसी से बात करना चाहता है। फिर उन लोगों ने बेकेट को अपना फोन दिया और बेकेट ने एम्बेसी को फोन करके बताया कि कुछ पुलिस वाले उसे जान से मारना चाहते हैं। तब एम्बेसी वालों ने कहा कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने में उन्हें एक दिन का वक्त तो लगेगा। इस पर बेकेट ने कहा कि ना ना, ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं ही आ जाता हूँ, पागल आदमी एक दिन में मुझे मार दिया तो। आखिरकार उसने उन लोगों का फोन लौटाकर उनका शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा जहां से ट्रेन लेकर वो अमेरिकन एम्बेसी तक जा सकता था। पर जैसे ही वो ट्रेन में घुसा तो एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया और वो भी बेकेट के साथ जाकर बैठ गया। ऑफिसर उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। अब बेकेट ने ऑफिसर के चंगुल से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसने सभी यात्रियों से कहा कि बेकेट एक खूंखार अपराधी है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। तभी ऑफिसर ने बेकेट पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बेकेट ने उसका हाथ मरोड़ दिया और गोली ऑफिसर के पैर में जा लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ट्रेन से भाग निकला और रास्ते में उसने किसी का फोन लेकर एम्बेसी को फिर से कॉल किया। लेकिन जब एम्बेसी ऑफिसर को ये पता चला कि बेकेट के हाथों एक पुलिस वाले को गोली लगी है, तो उसने कहा कि जब तक बेकेट खुद को पुलिस के हवाले नहीं करता तब तक वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस पर बेकेट का दिमाग बुरी तरह घूम गया। अबे पागल, वो मुझे अरेस्ट नहीं करना चाहते, गोली मारना चाहते हैं, समझ में आ रहा तुझे। अब वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी अचानक उसे कई दीवारों पर एक तस्वीर दिखाई दी। ये तस्वीर उसी बच्चे की थी जिसे उसने एक्सीडेंट के वक्त घर में देखा था। अब बेकेट उन लोगों के पास गया जो ये तस्वीर चिपका रहे थे और उनसे इस बच्चे के बारे में पूछा। तब जाकर ये खुलासा हुआ कि ये बच्चा करास नाम के एक काफी बड़े नेता का बेटा था।
करास इस बार राष्ट्रपति के इलेक्शंस लड़ने वाला था, इसलिए विरोधी पार्टी उसके बेटे डीमोस को अगवा करके करास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपना नाम वापस ले ले। ये सब सुनकर बेकेट को समझ आया कि पुलिस उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि उसने डीमोस को देख लिया था। लेकिन बेकेट ने उन लोगों को सच बता दिया कि उसने घर में इस बच्चे को देखा था। फिर उसने इन लोगों से अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंचने के लिए मदद मांगी। लेकिन जैसे ही वो उनके साथ गाड़ी में बैठने लगा तो उसकी नजर उसी पुलिस वाली पर पड़ी जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची थी। अब बेकेट तुरंत गाड़ी के ट्रंक में छिप गया और जब पुलिस वाली उन लोगों से पूछताछ करने आई तो उन्होंने झूठ कह दिया कि हाँ दीदी, ऐसा आदमी तो वहां गया उस तरफ। आखिरकार पुलिस वाली के जाने के बाद वो भी वहां से निकल गए और बाद में उन्होंने बेकेट को ट्रंक से बाहर निकाला। उन्होंने उसे बताया कि वो लोग करास की ही रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक अब करास ही ग्रीस को बचा सकता है। फिर थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने देखा कि सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था और पुलिस वाले सभी गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही बेकेट गाड़ी से निकल कर 9:11 हो गया। इसके बाद वो चलते चलते ट्रेन स्टेशन तक पहुंचा और मेट्रो में बैठकर एम्बेसी की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरा तो उसके चारों ओर पुलिस ही पुलिस मौजूद थी। अब बेकेट ने चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की लेकिन एक अंडरकवर पुलिस वाले ने उसे सीढ़ियों पर ही धर दबोचा। उस पुलिस वाले ने बेकेट के शरीर में कई बार चाकू घोंपा लेकिन बेकेट जैसे तैसे उसके चंगुल से बचकर भाग निकला। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे जख्मी हालत में देखा तो उन्होंने बेकेट की मदद की और उसे अमेरिकन एम्बेसी तक ले आए। आखिरकार एम्बेसी पहुंचकर बेकेट ने सुख की सांस ली। एम्बेसी वालों ने उसका इलाज करवाया और फिर स्टेफन नाम का एक ऑफिसर उससे मिलने आया। उसने बेकेट को बताया कि उसकी पत्नी की लाश 1 घंटा पहले ही यहाँ आई है। अब उसे वापस अमेरिका पहुँचाने की तैयारियां की जा रही थी। इसके बाद बेकेट ने ऑफिसर को शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ सारी बात बताई। स्टेफन ने उसे बताया कि पहले तो पुलिस उसे अंडरकवर होकर मारना चाहती थी लेकिन जब से उसने एक पुलिस वाले के पैर में गोली मारी है तब से पुलिस ने उसे एक अपराधी घोषित कर दिया है। स्टेफन ने उसे सलाह दी कि उसे खुद को ग्रीक पुलिस के हवाले कर देना चाहिए तभी एम्बेसी उसकी कुछ मदद कर पाएगी। उसने बेकेट को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसकी सुरक्षा के लिए वो अपने एक ऑफिसर को उसके साथ पुलिस स्टेशन भेजेंगे। इसके बाद वो सुरक्षित एम्बेसी में वापस लौट सकता है। स्टेफन ने कहा कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, मैं पूरी जांच के दौरान तेरे साथ ही रहूंगा वहाँ पे। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़े लेकिन बेकेट को अब भी लग रहा था कि दाल में कुछ काला है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ समय बाद स्टेफन ने एक डिवाइस के जरिए बेकेट को बिजली के झटके देने की कोशिश की लेकिन बेकेट ने बखूबी अपना बचाव किया। तभी उनकी गाड़ी की एक ट्रक से टक्कर हो गई और बेकेट अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। वो बस दौड़ता ही रहा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहां जाना चाहिए। पर तभी उसे उन गाड़ी वाले लोगों की बात याद आई। अब बेकेट उसी रैली में पहुंच गया जहां वो लोग जा रहे थे। उसने उन्हें ढूंढकर उनसे मदद भी मांगी। उसने बताया कि पुलिस से लेकर एम्बेसी तक सब लोग उसकी जान लेना चाहते हैं, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं। फिर कुछ ही पलों में स्टेफन पुलिस के साथ यहां भी पहुंच गया लेकिन इन लोगों ने बड़ी चालाकी से बेकेट को पीछे के रास्ते से भगा दिया। स्टेफन फिर भी उनका पीछा करता रहा पर तब तक तो बेकेट रैली की भीड़ में खो चुका था। उसने देखा कि रैली में करास भी मौजूद था। इसके बाद वो एक बड़े से मॉल की बेसमेंट में जाकर छिप गया लेकिन स्टेफन ने उसे यहाँ भी ढूंढ निकाला। वो बेकेट को जान से मारने ही वाला था कि तभी उसे एक जरूरी फोन आ गया। बेकेट ने इस मौके का फायदा उठाकर एक पत्थर उठाया और स्टेफन पर हमला कर दिया लेकिन स्टेफन ने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा कि अब वो उसे नहीं मारेगा। असल में अभी आए फोन से उसे खबर मिली थी कि करास के विरोधियों ने उसे मार डाला था, इसीलिए बेकेट से उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर स्टेफन ने उसे बताया कि असल में करास ने चुनाव जीतने के लिए माफिया से कर्जा लेकर लोगों पर खर्च किया था लेकिन करास कर्ज चुका नहीं पाया इसलिए उनके गुंडों ने डीमोस को अगवा कर लिया। पर आम लोगों को लगा कि विरोधी पार्टी करास को चुनाव से हटाने के लिए ये चाल चल रही है। खैर अब तो करास मर चुका था इसलिए स्टीफन ने बेकेट से कहा कि वो बिना डरे बाहर जा सकता है लेकिन बेकेट को अब भी उस पर यकीन नहीं था इसलिए उसने स्टेफन को पीटकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने स्टेफन की बंदूक उठाई और बाहर निकल आया। तभी उसकी नजर उसी पुलिस वाली पर पड़ी जो शुरुआत से उसकी जान लेना चाहती थी। बेकेट ने उसका पीछा करके देखा कि वो उसी पुलिस वाले की गाड़ी में बैठी थी जिसने उस पर चाकू से वार किया था। अब बेकेट का दिमाग सटक गया और उसने उन दोनों पर गोलियां चलाकर जख्मी कर दिया। बदले में पुलिस वाली ने भी उस पर गोली चलाई लेकिन बेकेट ने उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। इसी बीच वो दूसरा पुलिस वाला भाग निकला।
बेकेट ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। फिर भी वो अचानक बिल्डिंग की छत से कूद गया और नीचे जा रही ऑफिसर की गाड़ी पर जा गिरा। उसने जबरदस्ती ऑफिसर को बाहर निकाला और बुरी तरह पीट पीट कर उसे भी बेहोश कर दिया। कुछ ही पलों में काफी भीड़ जमा हो गई और अब लोगों को ऑफिसर की गाड़ी के ट्रंक से आवाजें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने ट्रंक खोला तो उसमें से डीमोस निकला। तब ये खुलासा हुआ कि पुलिस भी माफिया से ही मिली हुई थी। आखिरकार डीमोस को अपने घर पहुंचा दिया गया और अपना बैकेट भी बदले बदले लेके अपने देश वापस लौट आया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।